आप इस क्वेश्चन को याद कैसे करोगे? जहां जहां मैं पेन चलाऊं वहां वहां आपको ध्यान से निगाह जमानी है अपनी, ठीक है? गारंटी मैं लेता हूं याद 100% हो जाएगा, ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, आपके कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उन्हीं एग्जामों को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए एक जीके की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको जितना भी आपका स्टैटिक जीके का डाटा होता है उसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स को ट्रिक के माध्यम से एकदम इजी और सरल वे में बनाकर आपके सामने पेश किया जाएगा। क्योंकि इतना आप सभी लोगों को भी पता है कि जीके अब हर एग्जाम में एक अहम रोल निभाने लगी है। पहले की तरह जीके कोई नहीं पूछता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर आप, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, इन वीडियोस को ध्यान से देख लेते हो, इन वीडियोस को देखने के बाद जो भी डाटा इसमें आपको बताया जाएगा, जो भी चीज इसमें आपको कवर कराई जाएगी, वो आपको हाथों हाथ यहीं पे याद करा दी जाएगी। लेकिन ये सभी चीज ट्रिक से होंगी, जो चीज कॉन्सेप्ट से बतानी होगी वो कॉन्सेप्ट से भी बता के चलेंगे, लेकिन जिन चीजों में ट्रिक लग सकती है वे बिना कॉन्सेप्ट के भी हो सकती है, वे चीज आपको डायरेक्ट ट्रिक से याद करवा दी जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आने वाले टाइम में आपका यूपी कांस्टेबल भी आने वाला है, और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है 2023 के स्टार्टिंग तक अर्थात दिसंबर या जनवरी तक आपको यूपीएसआई की नई वैकेंसीज भी देखने के लिए मिल सकती हैं। उसी के साथ बता दूं आपको, कुछ बच्चों का वीडियो का भी एग्जाम है 2018 में जो कैंसिल हुआ था, उसी के साथ ग्रुप डी वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए भी उतनी ही कारगर साबित होगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, ऑल इंडिया एग्जाम के अंदर जो भी बच्चा इस क्लास को लेना चाहे ले सकता है, उतनी ही कारगर साबित होगी, ठीक है। यदि कांस्टेबल के एग्जाम में कोई केंद्रीय अनुसंधान पूछ सकता है तो वो दरोगा के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इतना आप सभी लोगों को भी पता है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, और हाँ भाई, ये सभी क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके सामने टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज रहा करेगी, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो आप लोगों को भी आलस आएगा और मुझे भी आलस आएगा, देखो बनाने में सीधी बात है, ठीक है। वीडियो छोटी रहा करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट की वीडियो रहा करेगी। ये आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लॉन्ग हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 या 4 मिनट की वीडियो रहा करेगी। उसमें आपको टॉप 5 ऐसे करके सारी जीके जो है कवर करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कोई अगर किसी को पता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो वो कमेंट में जरूर बता सकता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को याद कैसे करोगे, देखो ध्यान से, जहां जहां मैं पेन चलाऊं वहां वहां आपको ध्यान से निगाह जमानी है अपनी, ठीक है। गारंटी मैं लेता हूँ याद 100% हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है, देखना। यहाँ पे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात की गई है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में से आप केवल आलू वर्ड को पकड़ोगे, ठीक है। जब आप इस आलू वर्ड को पकड़ोगे तो आपको आलू में से साउंड आ रही होगी कालू की, आ रही है या नहीं आ रही है भाई। ट्रिक थोड़ी फनी हो सकती है, लेकिन आपको याद कराने के उद्देश्य से सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो आलू को आप समझ लो कालू से, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी को इससे रिलेट करना, तब जाकर आपके एकदम बहुत लंबे समय के लिए ये चीज याद रहेगी। मान लो कालू की कोई गर्लफ्रेंड थी, और कालू की गर्लफ्रेंड का और कालू का हो गया ब्रेकअप, ठीक। जब कालू की गर्लफ्रेंड और कालू का ब्रेकअप हो गया, तो अब उधर से उसकी गर्लफ्रेंड सोच रही है कि मैं कालू को फ़ोन मिलाऊं या ना मिलाऊं। उसकी गर्लफ्रेंड अपनी अपनी दोस्त से सलाह लेती है कि मैं कालू को फ़ोन मिलाऊं या ना मिलाऊं। तो उसकी फ्रेंड उसको सलाह देती है कि मिला कालू को फ़ोन मिला, ले मेरा सिम ले, तू कालू को फ़ोन मिला, सिम ले फ़ोन मिला। अर्थात इसका जो आंसर हो जाता है वो है शिमला, ठीक है। शिमला का सिम और मिला का मला, आप लोग ध्यान से देखोगे, शिमला का सिम और मला का मिला, अर्थात केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ हुआ, शिमला। आलू से क्या याद आना चाहिए, कालू। कालू को कौन फोन मिलाना चाहती है, उसकी गर्लफ्रेंड। तो उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड उसको क्या कहती है, ये ले मेरा सिम, और मिला कालू को फोन मिला, सिमले कालू को फोन मिला, अर्थात शिमला, ठीक है। इतनी बात, ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अब देखो भाई, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है, इसमें आप सभी लोगों को पता है कि तंबाकू जो भी खाता है उसका जीवन अंधकार में चला जाता है, जाता है नहीं जाता। अब मान के चलो कोई व्यक्ति तंबाकू खा के रण में युद्ध लड़ने गया। अब रण में युद्ध लड़ने यदि तंबाकू खा के जाओगे तो अंधे हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, नहीं छा जाएगा। तो इसका याद रखना, अंधे से होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इतना तो याद रखोगे कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर का शहर भी बताऊंगा इसी से ही ट्रिक से, ध्यान रखना, राजमुंद्री में। अब आप इसे कैसे याद रखोगे,
कि तंबाकू खा के कोई भी राज नहीं कर सकता। ऐसे याद रखोगी कि तंबाकू जो भी लोग खाते हैं वे अंधे हो जाते हैं और उनके बस की राज करना नहीं रहता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। अब चमड़े से आपके याद आ रहा होगा भाई, चमड़े की तो चप्पल पहनते हैं या नहीं पहनते? अब जब चमड़े की चप्पल पहनते हो और कोई मान लो तुम नई चप्पल लाए और कोई तुम्हारी चप्पल को कह दे कि भाई ये कैसी चप्पल पहने घूम रहा है, ये तो पुरानी सी चप्पल है, तुम उसको जवाब कैसे दोगे? नहीं है, मेरी चप्पल नहीं है। तो नई से क्या याद आया, यहाँ पे लिखो नई और जैसे चप्पल चेन्नई। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा भाई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है ना, तो केंद्रीय चमड़ा, चमड़े की क्या होती है, चमड़े की चप्पल पहनते हैं लोग, आपने देखा होगा। और चप्पल कैसी है, चप्पल है नई। कोई आपसे कह दे आपकी चप्पल पुरानी है, क्या मतलब? नहीं है, मेरी चप्पल नहीं है। और चेन्नई, ये आपका आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आप लोग बता सकते हैं, जिसे भी पता हो उसका आंसर वो आप कमेंट में जरूर दे सकते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की। तो भाई जैसा आप जितने भी यूपी के बच्चे होंगे या मोस्टली जो भी बच्चे इस चैनल पे हैं उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा पहले से ही, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि मुझे सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे तो इसका आंसर भी यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी। तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ में ही आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ट्रिक भी पसंद आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे अनुसंधान संस्थान जो है ऐसे ही याद हो जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आपको इन्हीं छोटी छोटी वीडियो के थ्रू टॉप 5, टॉप 6, टॉप 10 ऐसे ही करके सारे अनुसंधान संस्थान याद करवा दूंगा, प्लस सारी स्ट्रेटेजी के याद करवा दूंगा ट्रिक से। वो भी कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैं कराऊँ उतना कराना बस पेपर में, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर तो मोस्टली बच्चों को पता ही होगा। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं भाई? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ? देहरादून के अंदर। अगर किसी को वैसे भी याद ना हो तो इसकी भी ट्रिक है, चिंता मत करो, ट्रिक सभी की है। देखो इसको याद कैसे करोगे ट्रिक से, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। भाई एक बात बताओ, वन वन को मैं गणित में कैसे लिखता हूँ? ऐसे। ठीक, और वन के बाद क्या आता है? टू। तो टू को मैं हिंदी में कैसे लिखता हूँ? दो लिखता हूँ ना, दो ऐसे करके दो। तो दो का पकड़ो दे। ठीक है, इस दे से क्या बना? देहरादून। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है या नहीं है? बस आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूंगा आपको ट्रिक पसंद आई होगी। और इन्हीं ट्रिक के सहारे आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करना और ये चीज़ आपको हमेशा के लिए बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाएंगी, आप इनको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट याद करने बैठोगे तो हो सकता है बहुत जल्दी भूल भी जाओ, लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करते हो तो ये ट्रिक ऐसी हैं जो आपकी आम जिंदगी से रिलेटेड करती हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा पता है। केंद्रीय एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको यकीन आ जाएगा कि याद होती हैं या नहीं होती। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्या है? कैसे याद करोगे? आलू से याद करोगे कालू, कालू और कालू की गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ, ले सिम फोन मिला कालू को, सिम ले फोन मिला। ठीक है, दूसरा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तंबाकू जो भी खाता है वो अंधा हो जाता है और अंधे के बस की राजगणना नहीं होता। ठीक है, अगला बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चमड़े की क्या होती है? चप्पल होती है। और किसी की चप्पल को कोई पुरानी कह दे नहीं है, मेरी चप्पल नहीं है। ठीक है, नहीं से अर्थात चेन्नई। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा गन्ना होता है यूपी में और यूपी की राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ में ही केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगली बात करूँ केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो सर्वाधिक वन जो है वो आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेंगे और उत्तराखंड के भी देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, अर्थात वनों पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका देहरादून में मिलेगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वन वन के बाद क्या आता है? टू। टू को हिंदी में बोलते हैं दो, दो का दे लिया, दे से बना देहरादून। ठीक है, तो इस तरह से आपको कितने समय लगा इनको एक बार रिवाइज करने में? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड लगी होगी। तो 5 क्वेश्चन अगर आपके 10 से 12 सेकंड में याद हो जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस तरह की सीरीज का लाभ प्राप्त हो सके। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।